हेलो एवरीवन। और देखिए दोस्तों, अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलबी कॉलेज की फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर आपने मेरठ कॉलेज सेलेक्ट किया था अपना प्रिफरेंस के अंदर, और आपने ऑफर लेटर डाउनलोड कर लिया है फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर, लेकिन जब आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको वहां पे बोलते हैं कि जो ऑफर लेटर आपका ऑनलाइन सबमिट होगा, तो कैसे अब आपको ऑनलाइन मेरठ कॉलेज के अंदर आपको वेबसाइट पे जाके ऑफर लेटर सबमिट करना है, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना, उसमें सर्च कर लेना मेरठ कॉलेज की मेन वेबसाइट। जिसे सर्च करने गूगल पे पहला लिंक पे आप क्लिक करके मेरठ कॉलेज की मेन वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाते देखिए आपको मिलता है ऑनलाइन एडमिशन, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहां पे आपको मिलता है ऑफर लेटर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने मेरिट इंडेक्स ऑन योर ऑफर लेटर्स शुड बी फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन आता है जिसको आपको फिल करना है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो आप ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे उसके अंदर देखिए आपको एक स्टूडेंट कॉपी मिलेगी और एक कॉलेज कॉपी मिलेगी, तो आपको इसका प्रिंटआउट निकाल लेना है। प्रिंटआउट निकालने के बाद आपको जो यहाँ पे कैंडिडेट अपना जो कॉलेज कॉपी है उसमें कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। सिग्नेचर करने के बाद देखिए बात आती है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए जो कि 24KC समथिंग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। साथ में आपको मेरिट इंडेक्स क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा इस ऑफर लेटर के अंदर ही। साथ में कॉन्फिडेंस आईडी नंबर मेंशन होता है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा, और आपने कोई वेटेज क्लेम की है नहीं किया वो आपको यहाँ मेंशन रहेगा। तो ये डिटेल आपको इस फॉर्म के अंदर फिल भी करनी होगी। अब इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन यूजी नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है, जो आपका एलएलबी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो कि 24KC समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा ऑफर लेटर के अंदर। क्लास क्या है आपकी एलएलबी आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्ट्रीम क्या है आपकी लॉ, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। नेम ऑफ कैंडिडेट मेंशन कर दीजिएगा, फादर्स नेम मेंशन कर दीजिएगा, मदर, उस साथ में मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है आपका, जो वर्किंग मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ फिल करना है जो आपने एडमिशन टाइम पे फिल किया था। ईमेल आईडी फिल कर देनी है, जेंडर सेलेक्ट कर देना है मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है एप्लीकेंट को अपनी यहाँ पे। कैटेगरी क्या है आपकी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सब कैटेगरी क्या है आपकी यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर कोई सब कैटेगरी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सर में मिलता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ पे आपको बोर्ड का नेम फिल करना है या फिर यूनिवर्सिटी जो आपकी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी है उसकी डिटेल फिल करनी है। साथ में दोस्तों यहाँ पे देखिए इस फॉर्म के अंदर आपको पीजी यूनिवर्सिटी की डिटेल भी देने को बोलता है, लेकिन आपने पीजी कोर्स किया ही नहीं है तो यूनिवर्सिटी का डिटेल कैसे देंगे। तो आप एक काम कीजिए, जो बोर्ड यूनिवर्सिटी डिटेल है वहाँ पे आपने 12th की डिटेल फिल कर, इसमें अपना 12th का बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका यूपी बोर्ड है कोई अदर बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है जो भी बोर्ड है सेलेक्ट कर लीजिएगा। यूजी क्लास क्या है आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यूजी स्ट्रीम क्या है आपकी यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है आपका वो आपको मेंशन कर देना है, 12th का अपना पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और मार्क्स ऑप्टेन कितने के आपने वो मेंशन कर दीजिएगा। इस पर आपको मिलता है पीजी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे देखिए पीजी यूनिवर्सिटी क्या है आपकी, किस यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया है, तो यहाँ पे आप अपना ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी का नेम दे सकते हैं। हो सकता है थोड़ा देर में चेंज हो जाए ये फॉर्मेट, अभी सिर्फ हमें फॉर्मेट यहाँ पे ये जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आपको यहाँ पे पीजी का ऑप्शन देखने को ना मिले, कुछ टाइम बाद हो सकता है आपका ऑप्शन हट जाए, लेकिन अभी आप क्या करें पीजी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपनी यूजी की डिटेल फिल कीजिए, जिसमें आप अपना यूजी का यूनिवर्सिटी का नेम, इसमें यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी से किया आपने यूजी तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदर यूनिवर्सिटी से तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पीजी क्लास आपकी एमए एमएससी शो करेगा तो इसको आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पीजी स्ट्रीम क्या है आपकी वो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका पासिंग ईयर क्या है 2024 जो भी आपका वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने आपकी यूजी के अंदर वो मेंशन कर दीजिएगा, ऑप्टेन मार्क्स मेंशन कर दीजिएगा, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद देखिए सुनता है क्वालिफाइंग नंबर, तो देखिए आपको कोई क्वालिफाइंग नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप नील फिल कर दीजिएगा या फिर जीरो फिल करेंगे। वेटेज क्या है आपकी जो आपके ऑफर लेटर के अंदर मैं बताया था, वेटेज आपको कोई क्लेम किया है तो वेटेज कितनी है आपकी वो मेंशन कर दीजिएगा। कोई ईयर गैप है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जीरो सेलेक्ट कर लीजिएगा। रुकता है मेरिट इंडेक्स, तो आपका ऑफर लेटर के अंदर आपका मेरिट इंडेक्स मेंशन है, आपका मेरिट इंडेक्स जितना भी है वो आपके यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। ऑफर लेटर कॉन्फिडेंस नंबर जो आपका ऑफर लेटर के अंदर मेंशन है वही कॉन्फिडेंस नंबर आपको मेंशन करना है। सर में जो आपका ऑफर लेटर है उसका जो साइज आता है आपका 200 KB रखना है आपको, और जो ऑफर लेटर आपको साइन करने के बाद ही यहाँ पे अपलोड करना है, ऑफर लेटर यहाँ पे अपलोड कर लेना है और फिर सेव एंड एक्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सबमिट हो जाएगी और आपके सामने देखिए डिटेल्स हो जाएंगी, जिसमें आपकी सारी डिटेल जो आपने फिल किया वो मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। तो इस तरीके से आप ओपन मैरिज लिस्ट का जो ऑफर लेटर है वो मेरठ कॉलेज की वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो क्या कैसे आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करना है और कैसे अपलोड करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, इतनी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया। थैंक यू।